हेलो एवरीवन, मैं सीमा शर्मा आज आपको पतले बालों में हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ विद मांग टीका के साथ, क्योंकि शादियों का सीजन आ रहा है और मांग टीका तो आप लगाओगे ही। और अगर आपके काफ़ी पतले बाल हैं तो आपको कैसे हेयर स्टाइल बनाना चाहिए, यहाँ देखिए पीछे से मैंने थोड़े से बालों को लेकर के चिमटी लगा ली है। और आपके पास ऐसा मांग टीका है या आप कोई सा भी मांग टीका लगाना चाहते हो तो इस तरीके से उसकी मांग टीके के कुंदे को आप अपनी चिमटी में इस तरीके से अटका लें, जिससे कि आपका मांग टीका हिलेगा भी नहीं। और आगे से आपको इस तरीके से पफ बनाना है, और पफ बनाने के साथ अपने मांग टीके को सेट करना है। तो इस तरीके से आगे से बालों को कंघी करते हुए सारे बालों को इस तरीके से कंघी कर लें। और एक इस तरीके की एक्सेसरीज आती है हेयर के लिए, ये काफ़ी अच्छा आपको पफ बनाने में हेल्प करेगा। और अंदर की तरफ करते हुए आप इस तरीके से और टाइट से बालों को पीछे से टाइट कर लेना है, जिससे कि आपका जो एक्सेसरीज है अंदर सेट हो जाएगा। और आप वहाँ पर एक चिमटी लगा लें, एक नहीं आपको दो चिमटियाँ लगानी है, क्रॉस में लगानी है, जिससे कि आपका पफ टाइट रहेगा एंड आपका जो मांग टीका है ना वो भी सेट हो जाएगा, यानी वो हिलेगा भी नहीं। और आप चाहे डांस भी करोगे ना तो भी वो मांग टीका सेट रहेगा। और पीछे आपको हैवी जूड़ा बनाने का स्टाइल मैं बताती हूँ। इस तरीके से आप अपने बालों को पौनी बना लें, और आपको अपने बालों में कंघी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बालों में वॉल्यूम रहता है और कंघी करने के बाद अगर पतले बाल हैं आपके तो एकदम पतले हो जाएंगे। ऐसे आप बालों में पौनी बनाने के बाद बालों को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से आपको जूड़ा बना लेना है, यहाँ जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जूड़े वाली पिन से नीचे की तरफ पिनअप करते जाएं 1 से 2 बार, और चिमटी जो होती हैं चिटचट होती है उनको नीचे उसको इस तरीके से एक चिटचट को लगा लेना है, जिससे आपका जूड़ा नीचे सरकेगा नहीं, ऊपर सेट रहेगा। और आप अपने बालों को इस तरीके से खोल लें जैसा कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, चारों तरफ से इस तरीके से जूड़े को फैला लेना है, तो आपका जो कम बाल है तो भी आपका हैवी जूड़ा दिखेगा। और चारों तरफ से जूड़े वाली पिन आपको लगा लेनी है। अगर आप बालों में फूल लगाने के शौकीन है तो इस तरीके से एक रोज आप लगा सकते हैं जूड़े के एकदम सेंटर पॉइंट पे, एंड गोल्डन कलर की आपके पास इस तरीके से फ्लावर्स हैं तो उनको जूड़ों के चारों तरफ इस तरीके से लगा सकते हो। और ये जूड़े वाली जो पिन होती है उसी में ये फ्लावर सेट रहते हैं, आप लोकल मार्केट से काफ़ी इजीली ले सकते हो, एंड बहुत ही अच्छा लगता है। और कम बालों में इतना हैवी जूड़ा आपका बन जाए तो क्या बात है, और तारीफ तो आपको मिलेगी ही अगर इस तरीके से आप अपना हेयर स्टाइल करते हो शादी या पार्टी में। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आपको कोई हेयर स्टाइल नहीं आता तो ये भी स्टाइल कर सकते हो। और चारों तरफ से इस तरीके से आपको आप फ्लावर लगा सकते हैं, या कोई गजरा भी लगा सकते हैं, या आप मार्केट में बहुत सारे एक्सेसरीज मिल जाते हैं बालों को डेकोरेट करने के लिए, आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनल जूड़ा मांग टीके के साथ, और मांग टीका एकदम सेट हो गया है। आगे से आप अपने बालों को भी निकाल सकते हो थोड़े थोड़े, जिसे आपका लुक और भी अच्छा लगेगा। आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।